गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में अपन आगे जो बात करने जा रहे हैं अपनी यूनिट वही चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम, और अपना जो टॉपिक था जो चैप्टर है चैप्टर 5 है आपके सिलेबस में, और वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप ये चैप्टर चल रहा था, इसी को अपन बच्चों आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें जो अपन बात करने जा रहे हैं आज, तो इससे पिछली वाली कक्षा के लिए अपन मैं बात बताऊँ, अब इससे पिछली वाली कक्षा में अपन ने ऑस्मेटिक प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बारे में रिलेशन निकाला था, फ्लेसिड कोशिका फ्लेसिड सेल्स और ट्रिगर सेल्स के लिए वो रिलेशन अपन ने बनाया था, और रिलेशन क्या क्या होता है, फ्लेसिड सेल्स में तीनों में रिलेशन क्या होता है प्रेशर में और वेरियस टाइप जो प्रेशर्स है विद इन द सेल उनमें ट्रिगर सेल के लिए जो क्या रिलेशन था वो अपन ने प्रीवियस कक्षा में जो अध्ययन किया था उसके बारे में डिस्कस की थी। आज की कक्षा में जो बच्चों अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसमें कई बार वाटर पोटेंशियल के नाम एक या दो नंबर क्वेश्चन RBC के अंदर सीधा का सीधा इसे पूछ लिया जाता है ना। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं बच्चों, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में बात कर, सबसे पहले इसकी बात करेंगे वाटर पोटेंशियल जो हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल है ये प्रपोज बाय किसने दिया था, प्रपोज बाय R.K. Slater एंड S.K. Tyler इन 1960। ये बात आपको जैसे इसको जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे ये इसके बारे में पूछ लेता है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल प्रपोज द R.K. Slater एंड S.K. Tyler इन 1960, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, ये R.K. Slater और S.K. Tyler ने ये प्रपोज किया था, कब, 1960 के अंदर, ठीक है, प्रपोज बाय दिस बोथ साइंटिस्ट। इसके बाद क्या था, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक की बात करें, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक ईच कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम हैव फ्री एनर्जी, क्या लिखा है मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ईच कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर फ्री एनर्जी होती है, और ये फ्री एनर्जी होती है, ये फ्री एनर्जी क्या करती है, उसको मूवेबल करती है एंड प्रोवाइड द कैपेसिटी टू मूव, दिस फ्री एनर्जी प्रोवाइड कैपेसिटी टू डू वर्क और मूवेबल, ठीक है। तो ये किसके लिए करेगी, डू वर्क, काम करने के लिए और मूवमेंट के लिए, ठीक। तो मैंने क्या बताया बच्चों, तो सबसे पहले अपन मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल प्रपोज बाय द R.K. Slater और S.K. Tyler इन 1960 एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ईच कंपोनेंट हैव फ्री एनर्जी, ठीक है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम हैव फ्री एनर्जी एंड दिस फ्री एनर्जी प्रोवाइड कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने के लिए क्षमता होती है, ये कौन प्रोवाइड करती है, फ्री एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये फ्री एनर्जी की वजह से क्या होता है, काम होता है। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, इन द ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट या जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, इन एंड आउट, या तो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, अक्रॉस द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है कि ऑस्मोसिस की अपन बात करें, ऑस्मोसिस की बात करें तो सॉल्वेंट हो या वाटर मॉलिक्यूल हो
है ना, इन एंड आउट उनकी जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज रिक्वायर्ड द फ्री एनर्जी। ठीक है, दिस मूवमेंट रिक्वायर्ड फ्री एनर्जी। तो ये जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, अपन को पता है सोलवेंट मूवमेंट करता है, ऑस्मोसिस में अपन को पता है कि सोलवेंट मूवमेंट करता है, सोलवेंट मूवमेंट करता है तो उसके लिए क्या होती है, फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस रिक्वायर्ड किसके लिए, इन और आउट की जो मूवमेंट है, ठीक है, दिस रिक्वायर्ड फ्री एनर्जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़, एक तो इसको प्रपोज करने वैज्ञानिकों का नाम था आर के स्टेलर एंड एस ए टाइलर ने किया था। उसके बाद थर्मोडाइन लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंतर ईच कंपोनेंट हैव ए फ्री एनर्जी, ईच कंपोनेंट ऑफ सिस्टम हैव ए फ्री एनर्जी एंड दिस प्रोवाइड कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ऑस्मोसिस के अंदर भी जो वाटर के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करते हैं और ये भी किसके थ्रू होता है, ये फ्री एनर्जी, इसके लिए भी क्या होता है, फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों, अगली जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगली जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। एक सेल है, ठीक है, ये वाटर है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मान लो, वाटर मान लो प्योर वाटर, ये है प्योर वाटर, इसके अंदर क्या है, प्योर वाटर, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने एक शेल को रख दिया है, वी पुट ए शेल इनटू द प्योर वाटर, ठीक है। तो फ्री एनर्जी का मतलब क्या था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री है, उनके अंदर अभी मूवमेंट की बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, उनके अंदर जो मूवमेंट की कैपेसिटी है, जो डू वर्क की कैपेसिटी है, किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसको देसी तरीके से समझाओ, जब अपन क्या करते हैं, इसको कोशिका को प्योर वाटर के अंदर पुट करते हैं, वेन वी पुट ए शेल इन टू द प्योर वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल, देखना क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल एंड द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द सेल इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी पुट द सेल इन टू द प्योर वाटर, द डिफरेंस difference between the energy of the pure water molecule and the water molecule in the phytoplasm is called water potential of the system। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द प्योर वाटर मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गई वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, ये फ्री एनर्जी है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी फ्री एनर्जी है, ये इसके अंदर फ्री एनर्जी है, इसके अंदर जो फ्री एनर्जी है इसकी कितनी फ्री एनर्जी है, ये कितनी मूवमेंट कर सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जो प्योर वाटर के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कितनी मूवमेंट कर सकता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई वाटर का मॉलिक्यूल वो कितनी मूवमेंट कर, उनका जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोल सकते हैं। देखो व्हेन वी पुट ए शेल इनटू द प्योर वाटर देन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, वाटर मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको साइंस से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, साइंस से,
इसको साइन से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है याद रखना, वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट है बच्चों वो है बार या एटीएम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो बार या एटमॉस्फेयर है। वाटर पोटेंशियल को नापना बहुत मुश्किल है, वाटर पोटेंशियल को एग्जैक्ट, जो वाटर पोटेंशियल को एग्जैक्ट वाटर पोटेंशियल को नापना बहुत मुश्किल है। और जो वाटर पोटेंशियल जो मैक्सिमम जो होता है प्योर वाटर का, जो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बच्चों कितना होता है? जीरो होता है। और क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखना, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, इसके बाद किसी का वाटर पोटेंशियल आएगा तो नेगेटिव के अंदर, क्यों? मैक्सिमम जीरो है, सब इसके कम होते हैं, जीरो से कम क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो प्योर वाटर का देखो, मैंने वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको बता दी है कि जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है और जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी है, अपन डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, उसी को क्या बोल रहा है? वाटर पोटेंशियल बोला है। और वाटर पोटेंशियल जो उसको साई से डिनोट करते हैं इसकी, है ना, और उसकी जो यूनिट है वो क्या है? बार और एटीएम। देखो बच्चों ध्यान देना, अब देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा अभी एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और वो जीरो होता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर दी, है ना, यहाँ तक लिख दी। प्योर वाटर का वाटर में जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, ये डिफरेंस की बात कर ली। मैंने कोशिका को बता दिया आपको, एक प्योर वाटर के अंदर कोशिका को रखा, और कोशिका को रखा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसके इसके जो मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल फ्री एनर्जी, उनका जो डिफरेंस है उसको क्या बोला है अपन ने, क्या बोला बच्चों? वाटर पोटेंशियल बोला है। अब देखो दूसरी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मैंने क्या बताया कि ये यहाँ पर प्योर वाटर है, यहाँ पे क्या बच्चों? प्योर वाटर है। ठीक है, इसमें प्योर वाटर है, तो अभी इसका वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितना होता है? जीरो है। अब देखो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, यही सेम कंडीशन है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और इसके अंदर अपन क्या ऐड कर रहे हैं, मैं इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल। ये क्या है? सोल्यूट। ये क्या है? सोल्यूट। ये क्या है? सोल्यूट। तो ये क्या बन गया? सोल्यूशन। वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड किया तो क्या बन गया? सोल्यूशन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? सोल्यूट को जब ऐड करते हैं, प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो प्योर वाटर की तुलना में कम होता है। तो इसका मतलब क्या है? अपन जब सोल्यूट अपन आप याद ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर बच्चों ये होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन ये होता है। तो यहां पर मैं सोल्यूट की देखो, सोल्यूट की मात्रा बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ रहा है ना।
और सोल्यूट बढ़ाने से क्या डिक्रीज हो रहा है, सोल्यूट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑस्मेटिक प्रेशर इज इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर इंडिकेटर ऑफ द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो वाटर पोटेंशियल जो साइन होगा, साइन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट बढ़ रहा है, और सोल्यूट बढ़ता है तो ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है, और सोल्यूट बढ़ गया तो मैं कह रहा हूँ वाटर पोटेंशियल कम, क्यों, प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल अधिकतम होता है। जो प्योर जो वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल, जो प्योर जो वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, उसके सोल्यूट मिलाते हैं वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, और सोल्यूट मिलाते हैं इसका मतलब सोल्यूशन बना, सोल्यूशन बना इसका मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर तब बढ़ता है जब सोल्यूट डालते हैं, सोल्यूट डालते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। देखो प्योर वाटर का तो इसका इस प्रकार से, देखो बच्चों अब अगली कंडीशन देखो, तो मैंने क्या बताया, ऑस्मेटिक प्रेशर इज द इंडिकेटर ऑफ द लोअरिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल। तो अपन इसको थर्मोडायनेमिकली बात करें तो ऑस्मेटिक प्रेशर को अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर अपन थर्मोडायनेमिकली बात करें तो ऑस्मेटिक प्रेशर को अपन ऑस्मेटिक पोटेंशियल बोलेंगे यहां पे, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को यहां पे क्या बोलेंगे, ऑस्मेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ऑस्मेटिक पोटेंशियल को तो साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बन जाता नहीं है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑस्मेटिक पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल होते हैं, उनका मान जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन फर्क क्या है बच्चों, ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, और ऑस्मेटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ के। ये तो आ गया आपके साइन एस, ये क्या आ गया साइन एस। अब बच्चों बात करते हैं आगे अपन आगे बात करते हैं देखो, अब क्या करते हैं अपने एक इमेजिन करते हैं किसका, ऑस्मेटिक सिस्टम का, सॉरी अब इमेजिन करते हैं किसके, ऑस्मेटिक सिस्टम का, ऑस्मेटिक सिस्टम का इमेजिन करते हैं, एक बैग लेते हैं एक सेमी पर नेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग लेते हैं, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग लेते हैं, इसके अंदर अपन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डालते हैं। मान लो एक बैग लिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया, सॉरी इसके अंदर अपन ने भर दिया कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, इस बैग को अपन ने अब पुट कर दिया कहाँ पे, लो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस बैग को डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, और ये क्या है बच्चों, ये कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है,
ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, वाटर अंदर मूव करेगा, वाटर क्या करेगा, क्योंकि लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, वाटर क्या करेगा इसके अंदर इंटर करेगा बेग के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, बेग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर क्या होगा, वाटर इंटर करेगा, जिससे क्या बेग फूल जाएगा, वाटर बेग फूलने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर टीपी डेवलप होगा, क्यों, बेग खुलेगा इसकी वाल के ऊपर क्या एक प्रेशर डेवलप होगा, है ना, अंदर पानी जाएगा तो इसकी वाल के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, ये प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिगर प्रेशर। तो ट्रिगर प्रेशर को अपन थर्मोडायनेमिकली बात करें तो टीपी जो होता है, टीपी की वजह से जो अंदर प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिगर प्रेशर की वजह से जो ट्रिगर प्रेशर की थर्मोडायनेमिकली बात करें तो उसको बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल, इसको साई पी से बोलते हैं, देखो। और ये क्या होता है बच्चों, साई पी क्या होता है, क्योंकि ये ट्रिगर प्रेशर ठीक है, ट्रिगर प्रेशर कब होता है, ट्रिगर प्रेशर जब वाटर इंटर करता है अंदर करता है, अंदर डाइल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, अंदर पानी की मात्रा बढ़ा रहा है, और पानी की मात्रा कहीं पर बढ़ती है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा, पानी की मात्रा अंदर बढ़ी, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो पहले की तुलना वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को बढ़ने का इंडिकेटर है, ये किसका होता है, जो होता है वाटर पोटेंशियल को बढ़ने का इंडिकेटर है। अब देखो बच्चों, अपन तीनों के बारे में इनके रिलेशन की बात करते हैं, तो अपन साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ऑस्मेटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इसको साइन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मेटिक पोटेंशियल जिसको साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल जिसको साइन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में क्या होता है, एक साई एम और होता है जिसको मेट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, एम बोलते हैं। मेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो सरफेस होती है बच्चों, जो सेल की सरफेस होती है वो भी क्या होती है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको मेट्रिक्स पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन मेट्रिक पोटेंशियल होता है ये सोइल के लिए ही होता है, जो सेल के लिए पर बात करें तो सेल के लिए क्या होता है, कंसिडरेबल नहीं होता है, इसलिए अपन जो बात करते हैं तो रिलेशन की बात करेंगे तो ये जो रिलेशन निकालते हैं अपन, तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल बराबर साइन एस प्लस साइन पी, ये आएगा वाटर पोटेंशियल। आप पूछ लें तो वाटर, क्योंकि मेट्रिक्स का जो पोटेंशियल होता है ये कंसिडरेबल नहीं होता है, मगर सेल की बात करते हैं तो, है ना। सेलुलर ऑस्मोसिस के लिए, ये सेलुलर ऑस्मोसिस के लिए सिग्निफिकेंस नहीं होता है, सेलुलर ऑस्मोसिस के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो वाटर इसको अपन इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो इसका वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसमें वाटर पोटेंशियल को अपन निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अपने आज की कक्षा में जो बात करी है वो क्या बात करी है, आज की कक्षा में बच्चों ने बात करी किसकी बात करी है, आज वाटर हाइपोथेसिस वाटर पोटेंशियल की बात करी, हाइपोथेसिस वाटर पोटेंशियल की बात करें तो हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल के अनुसार अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके सबसे पहले से प्रपोज किसने दिया था, आर के स्टेले और ऐसे टाइलर ने दिया 1960 में, उसमें फिर अपन ने बात किया था कि वाटर पोटेंशियल क्या है, कि प्योर वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, और उसी को जब अपन सेल को किसी वाटर के अंदर रखते हैं तो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है और प्योर वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी है ना, फ्री एनर्जी, उनका जो डिफरेंस होता है उसी को क्या हुआ, वो बोलते हैं वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और इसको साई एस या साई डब्ल्यू से, साई से रिप्रेजेंट करें, वाटर पर साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बार और एटीएम इसका एटमॉस्फेरिक जो होता है वो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेयर होता है वो इसको, इसका जो यूनिट है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन ने जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल निकाला, ठीक है, ऑस्मेटिक पोटेंशियल, फिर अपन ने प्रेशर पोटेंशियल लिखा, तीनों के बीच में रिलेशन इस प्रकार से स्टेबलाइज कर दिया। तो बच्चों, आज के एग्जाम इतना बहुत है, धन्यवाद।